तो दोस्तों सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए, अभी मैं घोड़बंदर रोड के यहाँ पे हूँ और ये देखिए मेट्रो का पूरा काम चल रहा है, आप पूरी तरह देख सकते हो। तो दोस्तों वडाला से गायमुख स्टेशन तक मेट्रो लाइन 4A को ऐड करने का रीजन है मेट्रो लाइन 10। मेट्रो लाइन 10 जो कि अभी अंडर प्लानिंग में चल रही है। यहाँ पे तो देखिए पूरे रोड पे काम चल रहा है, देखिए एंड तक मेट्रो लाइन 4 का काम चल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं तेजस मालव आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल मैंडलिन ब्लॉग्स में। तो आज के वीडियो में मैं आपको मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 4A का पूरा अपडेट देने वाला हूँ, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए, अभी मैं घोड़बंदर रोड के यहाँ पे हूँ और ये देखिए मेट्रो का पूरा काम चल रहा है, आप पूरी तरह देख सकते हो। मेट्रो लाइन 4 और 4A, और मैं थोड़ा और आगे आ चुका हूँ। यहाँ पे तो देखिए पूरे रोड पे काम चल रहा है, देखिए एंड तक मेट्रो लाइन 4 का काम चल रहा है। दोस्तों मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 4A ये दोनों एक ही लाइन है, ये अलग अलग लाइन है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो मेट्रो लाइन 4 वडाला से कसर वडावली होने वाली है और इस रूट की टोटल लेंथ होने वाली है 32.32 किलोमीटर, और इस रूट में टोटल 30 स्टेशन होने वाले हैं। और मेट्रो लाइन 4A कसार वडावली से गायमुख मेट्रो स्टेशन तक होने वाली है और इस रूट की लेंथ 2.28 किलोमीटर होने वाली है, और इस रूट में सिर्फ दो मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं। और मेट्रो लाइन 4A कोई अलग लाइन नहीं होने वाली है, बल्कि ये मेट्रो लाइन 4 का ही एक एक्सटेंशन होने वाली है, और ये दोनों लाइन ग्रीन लाइन के नाम से भी जानी जाएगी। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ दो स्टेशन की वजह से अलग मेट्रो लाइन 4A क्यों बनाई गई है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब मेट्रो लाइन 4 की प्लानिंग की शुरुआत हुई थी, तब मेट्रो लाइन 4A के बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं होती, और गवर्नमेंट ने इस लाइन को 4 बनने के बाद प्लान किया है। और ऐसा क्यों किया है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों वडाला से गायमुख स्टेशन तक मेट्रो लाइन 4A को ऐड करने का रीजन है मेट्रो लाइन 10। मेट्रो लाइन 10 जो कि अभी अंडर प्लानिंग में चल रही है, और ये मेट्रो लाइन 10 भी ग्रीन लाइन के नाम से जानी जाएगी। और ऐसा क्यों किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, मेट्रो लाइन 10 जो है वो मीरा रोड से गायमुख मेट्रो स्टेशन तक होने वाली है, और मेट्रो लाइन 4A की वजह से यानी इस 2.2 किलोमीटर लेंथ की वजह से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी मीरा रोड से डायरेक्ट वडाला स्टेशन से, और इसी वजह से मेट्रो लाइन 4A को ऐड किया गया है। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हर मेट्रो लाइन का एक अल्टरनेट नाम होता है, जैसे कि ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, और अभी ये ग्रीन लाइन। और ऐसा इसलिए होता है कि ट्रैवलर्स को इन मेट्रो लाइन्स को समझने में आसानी हो, क्योंकि मेट्रो लाइन 4, मेट्रो लाइन 2, मेट्रो लाइन 7 से शायद लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है मेट्रो लाइन को समझने में। तो इन कलर्स को ऐड किया गया है क्योंकि ट्रैवलर्स का कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेट्रो लाइन 7 से ट्रैवल कर रहे हो जो अंधेरी से दहीसर तक है, तो आपको शायद ही मेट्रो लाइन 7 याद रहेगी, लेकिन अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो जो कि रेड कलर की मेट्रो है, तो उस रेड कलर की मेट्रो से आप मेट्रो लाइन जो रेड कलर है उसे आप डेफिनेटली याद रखोगे जो कि रेड लाइन है। और ये चीज मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी जो कि ट्रैवलर्स के लिए खास करके सोची गई है। तो मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 4A को बनने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, और इस मेट्रो लाइन को बनने में सबसे बड़ा मेजर हाथ होने वाला है MMRDA का। MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और MMRDA ने ऐसा दावा किया है कि 2031 तक इस मेट्रो लाइन से डेली लगभग 12 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकेंगे। इस मेट्रो लाइन में वैसे तो 30 स्टेशन होने वाले हैं, लेकिन इनमें से जो मेजर स्टेशन है उस पर नजर डालते हैं जो कनेक्टिविटी देने में आसान रहेंगे। और ये मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं सबसे पहले तो भक्ति मेट्रो पार्क, उसके बाद वडाला, उसके बाद विक्रोली मेट्रो स्टेशन, फिर भांडुप मेट्रो, उसके बाद मुलुंड नाका, फिर RTO ठाणे, कैडबरी जंक्शन, माजीवाड़ा, टिकुचिनीवाड़ी, और ऐसे कई सारे मेट्रो स्टेशन। और दोस्तों ये मेट्रो लाइन आपको ईस्टर्न एक्सप्रेस रोडवे के साथ साथ सेंट्रल रेलवे और मोनो रेल की भी कनेक्टिविटी देगी। फिर अगर मेट्रोस की बात करूँ तो आपको मेट्रो लाइन 2B की कनेक्टिविटी मिलेगी जो कि DN नगर से मंडाले स्टेशन तक है, और उसके बाद मेट्रो लाइन 5 की भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी जो ठाणा भिवंडी कल्याण मेट्रो स्टेशन है जो उल्लास नगर तक एक्सटेंड होने वाली है। उसके बाद आपको मेट्रो लाइन 6 की भी कनेक्टिविटी मिलेगी जो कि स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली स्टेशन तक है, और इन तीनों मेट्रो लाइन्स पे मैंने वीडियो बनाया है तो वो वीडियोस भी जरूर एक बार देख लीजिए आप, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो ये लाइन सेंट्रल लाइन के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड के लोग, क्योंकि ये लोकल का अल्टरनेट होने वाला है। और किस तरीके से ये आपको इजी कनेक्टिविटी देगी उसके बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं। तो सबसे पहले तो वडाला से शुरू करेंगे, तो वहीं से आपको ब्लू लाइन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी जो कि घाटकोपर से वर्सोवा है। उसके बाद सिद्धार्थ कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो लाइन 2 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसके बाद अमर महल मेट्रो स्टेशन से आपको हार्बर लाइन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसके बाद श्रेयस सिनेमा मेट्रो स्टेशन से आपको सेंट्रल लाइन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फिर गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से आपको कांजुरमार्ग स्टेशन जो कि सेंट्रल लाइन का हिस्सा है उसकी कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके साथ साथ मेट्रो लाइन 3 जो कि एक्वा लाइन है और मेट्रो लाइन 6 की भी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। फिर भांडुप मेट्रो स्टेशन से अगेन आपको सेंट्रल लाइन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फिर कपूरबावाड़ी मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो लाइन 5 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और उसके बाद गायमुख मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो लाइन 10 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और मेट्रो लाइन 10 की मदद से आप मेट्रो लाइन 7 और मेट्रो लाइन 2A को भी एक्सेस कर सकते हो। अब बहुत से लोग ये सुन के शायद कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन तब तक ही रहेगा जब तक आप ट्रैवल शुरू नहीं करते। लेकिन इतना तो मैं कहना चाहूंगा कि ये लाइन सेंट्रल लाइन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल शुरुआत 2018 में हुई थी और ये पूरा प्रोजेक्ट MMRDA के मेगा मेट्रो मास्टर प्लान का हिस्सा होने वाली है। और ऐसा कहा जाता है कि 2025 या 2026 तक मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 4A पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। और ये लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद सेंट्रल लाइन के लोगों को लगभग 50-75% तक ट्रैवल टाइम कम किया जा सकेगा। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है जो मेरी तरह लेट निकलते हैं या अपने काम पे लेट पहुँचते हैं। डेफिनेटली इन सब बातों के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अभी तो हम जस्ट बिगिनिंग फेज में हैं। ये मेट्रो का बिगिनिंग फेज हम लोग फेस कर रहे हैं और एक तरीके से हम इतिहास जी रहे हैं, क्योंकि 15-20 साल बाद मुंबई विल बी कम्प्लीटली चेंज जब ये सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स कम्प्लीटली बन जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए अभी का जो आपका जो ट्रैवल है उसको एंजॉय कीजिए। मुझे पता है कि मुंबई लोकल्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को ट्रैवल करने की, लेकिन यही तो मुंबई की खास बात है। सही मायनों में कहूँ तो यही तो मुंबई की स्पिरिट है। दोस्तों 1990 में मुंबई का पॉपुलेशन 1.2 करोड़ था। उसके बाद 10 साल बाद 2000 में मुंबई का पॉपुलेशन 1.6 करोड़ था। फिर 2010 में 1.8 करोड़, उसके बाद 2020 में 2 करोड़, और आज के डेट की बात करूँ तो मुंबई का पॉपुलेशन लगभग 2.1 करोड़ है। और ये आप देखते जा रहे हैं कि मुंबई का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और लोकल ट्रेन की भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ये मेट्रोस कितनी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि जो आंकड़ा हमने देखा है उसे हम अज्यूम करें तो 2030 तक शायद मुंबई का पॉपुलेशन 3 करोड़ भी क्रॉस कर सकता है, और तभी मेट्रोस की ज़रूरत मुंबई को बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो होप करते हैं मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 4A के साथ साथ जितने भी मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो सारे के सारे मेट्रोस जल्द से जल्द अपना काम पूरा करें और मुंबई की सेवा में लग जाए। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगर होपफुली आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल और जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए आपके मेट्रोस के ट्रैवलर फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।